ये शो जैसे कि हर शो के लॉन्च के पहले सब बोलते हैं कि डिफरेंट होने वाला है, तो ये भी डिफरेंट होने वाला है. नॉट बिकॉज हम उसको बोल रहे हैं कि डिफरेंट होने वाला है, बट यूजुअली हमने आज तक कॉन्सेंट्रेट इस बात पे किया है कि कान्हा माखन चोर है. कान्हा, लेकिन कान्हा माखन चोर क्यों है, हम इन बेसिक्स को हम लोग एलैबोरेट करेंगे इस शो में. और जैसे कि ये शो में आप देखेंगे कि वो जो किरदार हैं वो टिपिकल टिपिकल किरदार नहीं है, कुछ डिफरेंट और हटके होना चाहिए. हमने पहले भी कृष्णा देखा है, उसमें कई क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रह गए हैं कि ये चीज़ हुई तो क्यों हुई, इसके पीछे का रीज़न क्या था. या यशोदा और नंद थे, उनको बच्चे नहीं थे, तो कैसे उनके विष्णु जी ने क्यों ऐसा डिसाइड किया कि वो उनके घर पे अवतार लेके आना चाहेंगे. या बहुत से ऐसे सवाल हैं जो हमारे दिमाग में हमेशा से रहे हैं पर उनका जवाब हमें नहीं मिला है. तो इस शो के थ्रू आपको वो जवाब ज़रूर मिलेंगे क्योंकि हमें भी पहली बार ही पता चल रहा है. जब हम स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं ना तब हमें समझ में आ रहा है कि अच्छा ऐसा हुआ था क्या. तो वो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग है और आपके लिए भी होंगी जब आप देखेंगे. तो मतलब बहुत से जवाब आपको मिलने वाले हैं. और जो भी आपने सवाल पूछा कैरेक्टर के बारे में, तो हर माइथो शो के लिए थोड़ा प्रिपरेशन ज़रूरी होता है क्योंकि हमारी लैंग्वेज जो आजकल मिक्स्ड है तो हमें माइथो शोज़ के लिए हिंदी बोलनी होती है, तो थोड़ा हमें उस पर काम करना पड़ता है, थोड़ी कोशिश. हिंदी भी आज की हिंदी नहीं होती है, ये हाँ, उस समय की हिंदी है कि मतलब जैसे जब अब हम यहाँ पर बदलाव कहते हैं तो उस वक्त परिवर्तन कहा जाता हाँ, था. या बेसिक बेसिक जो शब्द हैं वो बहुत डिफरेंट हैं. आजकल की हिंदी में ज़्यादातर इस्तेमाल मतलब सॉरी यूज़ जो होता है वो उर्दू शब्दों का होता है. तो वो हमें इस बात का बहुत मतलब ख्याल रखना पड़ता है. हम इंग्लिश जैसे भी सॉरी हम वो नहीं कर सकते हैं. जब हम डायलॉग्स बोल रहे हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है.